हेलो स्टूडेंट्स तो आइए आगे, आगे के न्यूमेरिकल जो गर्चन बल के रिलेटेड हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल अ बॉडी स्टार्स रोलिंग एक बॉडी है वो क्या करती है रोल कर रही है रोलिंग डाउन एंड इनक्लाइन प्लेन तो आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन एक बॉडी क्या कर रही है रोलिंग कर रही है ऑन द इनक्लाइंड प्लेन पर वो नीचे को आ रही है द टॉप हाफ ऑफ विच इज परफेक्टली स्मूथ जो इनक्लाइंड प्लेन का ऊपर का हिस्सा है हाफ पार्ट है वहां पर क्या है जो टॉप हाफ है वो क्या है स्मूथ है सरफेस पर क्या है घर्षण बल क्या है कम होगा वो परफेक्टली स्मूथ है उस पर घर्षण बल क्या होगा बहुत कम होगा उसे हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं आगे एंड द लोअर हाफ इज रफ तो जो नीचे का हिस्सा है इनक्लाइंड प्लेन का वो रफ है वहाँ पर घर्षण बल क्या है ज्यादा होगा अधिक होगा फाइंड द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द वेट ऑफ द बॉडी तो हमने रेशो फाइंड करनी है किनके बीच में जो घर्षण बल है एंड वेट ऑफ द बॉडी इसके बीच में हमने क्या फाइंड करनी है रेशियो फाइंड करनी है आगे इफ द बॉडी इज बरा टू रेस्ट जस्ट वेन इट रीचेज द बॉटम तो जब हम बॉडी को बॉटम पर ले आते हैं वहाँ पर क्या है ये वैराम अवस्था में आ जाती है आगे गिवन दैट इंक्लेरेशन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजोटल इज थर्टी डिग्री तो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिज़ॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है दैट इज़ थर्टी डिग्री तो स्टूडेंट इस निमेरिकल को हम टू मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं तो आज मैं फर्स्ट मेथड के साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ एंड लेटर ऑन हम सेकंड मेथड के साथ भी इसको डिस्कस करेंगे तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो स्टूडेंट ये रहा इंक्लाइंट प्लेन मेकिंग एंगल थर्टी डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑन द टॉप जहां पर एक बॉडी पड़ी हुई है एट पॉइंट ए हम मान लेते हैं मास कितना है बॉडी का दैट इज कैपिटल एम तो वेट कितना होगा मास इनटू ग्रेविटी कंसिडर वेट ऑफ द बॉडी मींस मास इंटू ग्रेविटी अब स्टूडेंट आगे लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन हम मानकर चलते हैं जो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है फॉर कन्वीनियंस हम इसे 2l मान लेते हैं ऐसा कैलकुलेशन करने में सिंपल होगा वाई बिकॉज जो हाफ लेंथ होगी मीन्स एल वो क्या है इनकलाइंट प्लेन का जो सरफेस है वो रफ़ है एंड अनदर हाफ जो सरफेस है वो क्या है एक्स्ट्रा स्मूथ तो यहाँ पर तो जो घर्षण बल होगा वो बहुत कम होगा उसे हम निगलेक्ट कर देंगे आगे स्टूडेंट्स अब देखें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अलोंग लोअर हाफ पार्ट ऑफ प्लेन तो जो वर्क डन किया गया है इस बॉडी के साथ इस बॉडी ने वर्क डन किया है किसके विपरीत किया है घर्षण बल के विपरीत यहाँ पर तो घर्षण बल नहीं था बिकॉज जो सरफ़स है वो वेरी स्मूथ है लेकिन यहाँ पर क्या है सरफ़स स्मूथ नहीं है वो रफ़ है इसलिए वर्क डन किया गया है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स वो किसके इक्वल होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल इनर्जी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट ए यहाँ पर क्या है ड्यू टू पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कंज्यूम हो जाती है किसमें उसे हम बर्त लेते हैं ये जो बॉडी है उसने वर्क किया है किसके विपरीत किया है दैट इज़ द घर्षण बल नाउ स्टूडेंट्स अब घर्षण बल के विपरीत कितना बल बॉडी ने लगाया है वो कितना बल लगाती है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एफ मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल जो लेंथ है आगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए वो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए वो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मास ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट अब ये कितनी है मास ग्रेविटी हाइट कितनी है दैट इज ए बी बी ए अब हम ए बी फाइंड कर लेते हैं यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रैंगल तो साइन थीटा वो क्या होगा पर पेंडिकुलर ए बी ओवर हाई पोटेन्यूज दैट इज ए सी नाउ साइन थीटा कितना है थर्टी डिग्री साइन थर्टी डिग्री इक्वल टू ए बी हमने इसे फाइंड करना है ओवर ए सी दैट इज अ टू एल इनक्लाइंट प्लेन की जो लेंथ है वो कितनी है टू एल आइए आगे साइन थर्टी वन ओवर टू इक्वल टू ए बी ओवर टू एन तो स्टूडेंट हमारे पास ए बी इक्वल टू वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाई टू एन टू के साथ टू कैंसल ए बी इक्वल टू एन नाओ स्टूडेंट यहाँ पर हम अब वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देते हैं वर्क वर्कडन अगेंस्ट फ्रिक्शन अलोंग लोअर हाफ पार्ट ऑफ द प्लेन वो कितना हमने फाइंड किया है दैट इज एफ मल्टीप्लाई बाय एल इक्वल टू किसके इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट ए वो कितनी है एम जी ए बी एम जी एच एम जी एच कितना है ए बी मीन्स ए बी हमने कितना फाइंड किया है एल तो मास ग्रेविटी एंड एल नाउ स्टूडेंट्स हम एल के साथ एल क्या है कैंसिल हो जाती है एफ इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी मीन्स द वेट ऑफ द बॉडी वो साइड एम जी के साथ डिवाइड कर देते हैं एफ ओवर एम जी इक्वल टू एम जी ओवर एम जी तो ये कैंसल हो जाते हैं नाउ रेशियो ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड जो वेट ऑफ द बॉडी है वो कितना आंसर आ जाता है दैट इज़ वन यही हमने फाइंड करना था गर्शन बल एंड जो वेट ऑफ द बॉडी है उनकी रेशियो कितनी है वो आंसर है दैट इज वन इसको आने वाली वीडियो में इसी न्यूमेरिकल को एनदर मेथड के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्व करेंगे